तो हेलो गाइस, सही को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अर्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पिजन टिप्स में। तो भाइयों, आशा करता हूँ मेरे सारे कबूतरबाज भाई यार बढ़िया होंगे, उनकी कबूतरबाजी भी यार बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने यार ये सोचा कि यार एक ये जो बात है वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मैं बात आपको बताऊँ, उस चीज़ से आपको सावधान करा सकूँ उस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि वो आपके कबूतरों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, अपने भाइयों को ये बात बताई जाए, और ये बात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके कबूतरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई वीडियो एंड तक देखिएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ये वीडियो आप पूरी देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत जो पार्ट आप स्किप कर देते हो ना, तो वो स्किप वाली में मैं कुछ ऐसी बात बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वही पार्ट आप स्किप कर देते हो तो भाई वो बात आपके जहन से निकल जाती है, ठीक है। तो भाई वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ये वाली खासकर, क्योंकि वो चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके कबूतरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, वो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ये। और अगर आप चैनल पर नए आए तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम में अपने भाई को फॉलो नहीं किया जल्दी से यार, ये इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, इस पर आकर अपने भाई को जरा फॉलो कर लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी को बताया गया, ठंड का मौसम चल रहा है इस समय, ठीक है, मगर ये ठंड का मौसम में इतना मौसम का उतार चढ़ाव हो रहा है ना, जिससे यार कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो भाई, इस समय धूप आ रही है ना, कुछ दिन पहले आपने जो मेरी वीडियो देखी होगी उसमें इतना भाई अंधेरा हो रहा होगा, आप सभी को पता ही होगा, वीडियो थोड़ी सी खराब भी थी वो, ठीक है। तो भाई कितना ज़्यादा डल महसूस हो रहा होगा इस वीडियो में आप सभी को, ठीक है, क्योंकि यार उस समय इतना मौसम खुला ही नहीं था, बिल्कुल धूप आई नहीं थी और मौसम बिल्कुल ढका हुआ था। तो ये मौसम का ये उतार चढ़ाव हो रहा है ना, कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कभी ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है। भाई हमारे इलाके में कबूतर में ये दो बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, और आपके इलाके में भी ये बीमारी चल रही होगी, क्योंकि यार कमेंट बॉक्स में जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ ना भाई, सभी यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बीमारी मेरे कबूतर को हो रही है ठंडे के मौसम में। वो आपको मैं बता देता हूँ ये बीमारी आपके कबूतर को क्यों हो रही है, और उसका इलाज भी मैं बताऊँगा आपको क्या इलाज है, ठीक है। तो भाई ये पहली बीमारी, सबसे दो बीमारी ज़्यादा हो रही है, सबसे पहली बीमारी का मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपका कबूतर लखवे में आ रहा है, ठीक है, लखवे में आ रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ठंड का मौसम है आपको सभी को मालूम है, आप जब भी कबूतर बंद करो तो उसको पूरे अच्छे से पल्ली से बंद कर दो, मतलब सामने से फ्रंट से आप बोरा वोरा लगा लो, या भी आप गत्ता लगाते होगे, ठीक है, तो उस तरीके से बंद कर लो। और अपने कबूतरों को जो आपके छोटे पट्टे हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरे जितने भी हैं सब पट्टे हैं, तो उनको आप भरपेट दाना दो भाई, भरपेट दाना रहोगे ना तो कबूतर में अलग ही रंगबाजी होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार भरपेट दाना दो कबूतर भाग नहीं जाएगा, भाई भागेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, आपने अपने छोटे पट्टे को भरपेट दो, सभी को नहीं कह रहा हूँ मैं, छोटे पट्टे हैं जो, क्योंकि यार जो छोटे कबूतर होते हैं ना, जो पट्टे होते हैं, उनको बीमारी बहुत जल्दी जल्दी से पकड़ लेती है। तो भाइयों अपने जो जो आपके छोटे पट्टे हैं उनको आप भरपेट दाना दो, आप मेरे हिसाब से आप दे रहे होगे 13 ग्राम इससे या फिर 12 ग्राम से दे रहे होगे, ठीक है, तो आप अपने कबूतरों को यार 15 ग्राम से दाना दो, 15 ग्राम से आप दाना दो, और प्लस रोटी भी खिलाओ उनको, घर की रोटी, ठीक है, घर की रोटी भी खिलाओ, और 15 ग्राम से आप अपने कबूतर को दाना हो, मतलब एक कबूतर का 15 ग्राम, ठीक है, उस हिसाब से अपने कबूतरों को भरपेट खिलाओ। अब मैं आपको अपने पट्टे दिखाता हूँ, जो ये तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है, और अपने छोटे जो पट्टे हैं ना वो भाई देखो सब बंद है इसमें, और ये देखो भाई ट्रे रखी है ना, ये भाई ट्रे रखी है, उनको दाना मैं खिला रहा था, अभी दाना खत्म हो गया, मैं वीडियो एंड करूंगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा और दाना डाल दूंगा, ठीक है, तो भरपेट इनको मैं खिलाऊंगा फिलहाल तो, ठीक है। आप अपने कबूतर को यार भरपेट दाना खिलाओ, कभी कोई भी बीमारी में अभी कबूतर आपका नहीं आएगा। सबसे पहली भी बीमारी जो चल रही है भाई लखवे की, ठीक है, लखवे में क्या हो रहा है, आप अपने कबूतर को यार मतलब उनके हिसाब से दाना दे नहीं रहे हो, ठीक है, भरपेट दाना दे नहीं रहो, रात में आपको पता ही है ठंडी हवा चलती है तो कबूतर अपने मतलब दाने को भूसा करे दे रहा है, ठीक है, अपने कबूतर अपने दाने को भूसा करे दे रहा है, हवा काट रही है, ठीक है, तो भाई हवा काट रही है, आपका कबूतर जो हो रहा है जितना भी दाना खा रहा है वो अंदर जाके भूसा हो जा रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी से पच जा रहा है। तो भाई कबूतर इसीलिए बहुत भूखा है, ठीक है, और कबूतर इसीलिए लखवे में आ रहा है, आप सभी को पता होगा ये कबूतर जो लखवे में आता है ना थोड़ा सुस्त रहेगा, आपने अगर सुस्त कबूतर का इलाज नहीं किया ना तो धीरे से वो लखवे में आ जाएगा, लखवे का इसी वजह से आता है क्योंकि आप उसको दाना
भरपेट नहीं खिला रहे हो, ठीक है, दाना उस कबूतर को सही से नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो लकवे में आ रहा है। तो भाई मैं इसका इलाज बता देता हूँ, अगर आपका कोई कबूतर लकवे में आ गया है तो भाई ये जो लिंक आ रहा है ना आई बटन पे, ये वाली जाके आप वीडियो देख लो, अगर आपका बाई चांस कबूतर कोई लकवे में आ गया हो तो ये वाली वीडियो देख लो आप, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अपने कबूतर को कैसे सही करना है। और भाई आप सभी को पता ही कि लकवे की बीमारी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सही होने में, मगर कबूतर आपका सही हो जाता है फिलहाल, मगर टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो भाई मेक और पेशेंस रखना आप, ठीक है, आपका कबूतर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ठीक। दूसरी बीमारी कौन सी चल रही है वो आपको बता देता हूँ, दूसरी बीमारी चल रही है भाई सूखे की। कबूतर भाई अड्डा लगा रहा है, ठीक है, जब जो भी आप बोलते हो कबूतर सूखे में आ रहा है या अड्डा लगा रहा है, हमारे यहाँ तो भाई वो बोलते हैं अड्डा लगा रहा है, ठीक है, उसकी एक तरह से हड्डी निकल रही है, ठीक है। तो भाई कबूतर हड्डी निकल रही है, इसी वजह से निकल रही है क्योंकि यार उस कबूतर को भरपेट दाना नहीं मिल पा रहा। आपको पता होगा ली 52DS आती है, ठीक है, और क्या कहते हैं लकवे की बीमारी के लिए भाई आती है नीरोबियान आती है भाई, ठीक है। तो भाई लकवे के लिए नीरोबियान देनी है आपको, अगर कबूतर आपका लकवे में आ गया तो नीरोबियान, और आपको सूखे में आ गया है तो भाई आपका अपने कबूतर को सूखे में आने के लिए ली 52 आती है, ठीक है, उसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है मेरे भाई, और ये देखो भाई आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, जल्दी से आके वाली वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है, आपको इस बीमारी का भी हल मिल जाएगा, ठीक है, और 100% रिजल्ट मिलता है भाई मेरी वीडियो का, ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट पढ़ते होगे मेरे शायद, ठीक है, तो आप सभी को मालूम हो गया होगा भाई 100% रिजल्ट मिलता है अगर आपने मेरे हिसाब से अपने कबूतर का इलाज किया है तो, ठीक। और बाकी आप अगर अपने इलाज आप अपने हिसाब से इलाज करते हो और आपका कबूतर सही हो रहा है तो भाई इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है। तो भाइयों ये जो बात थी मैंने यही बताना आपको जरूरी समझा था कि यार ये चीज़ आपको बताई जाए, तो अपने कबूतर को यार भरपेट दाना दो, ठीक है। ये तो भाई हो गई पट्ठे की बात, दूसरी चीज़ क्या हो गई गर्दानों की बात, ठीक है। गर्दान आप जितनी भी पिटैया कर रहे हो उतनी पिटैया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उनको भी दाना सही साट दो, ठीक है, उनको भी दाना नाप तौल के दो, अच्छे से दो, 15 ग्राम के हिसाब से उनको भी दो भाई दाना, ठीक है। क्यों क्यों देने को कह रहा हूँ ये बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे होगे 15 ग्राम के हिसाब से देंगे कबूतर बहुत ज़्यादा ऊंचा चलेगा, ठीक है, लड़ैया नहीं लेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपने कबूतरों की इतनी पिटैया रखोगे ना, आपका कबूतर जहाँ से आप बुलाओगे ना वहाँ से टूट के चला आएगा। अब मेरे कबूतर है भाई, आपने वीडियो में देखा होगा भाई, जहाँ से मैं बुलाता हूँ भाई वहीं से सीधे कूद जाते हैं। मैं 15 ग्राम के हिसाब से दाना दे रहा हूँ अपने कबूतर को, मतलब एक कबूतर को 15 ग्राम, और भाई प्लस रोटी भी, घर की रोटी, घर की रोटी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई ये भाई इतनी रोटी दूंगा मैं अपने कबूतर को, ठीक है, इतनी ये पन्नी भर के मैं रोटी दूंगा अपने कबूतर को भाई, ठीक है। तो प्लस रोटी भी दे रहा हूँ और 15 ग्राम के हिसाब से दाना भी दे रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई कबूतर दबा नहीं है, ठीक है, ठीक। तो भाई दाना को नाप तौल के दो, दाना हिसाब से रखो, आपका भी कोई कबूतर दबेगा नहीं, ठीक है, और बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है, ठीक है, और आपका कबूतर बिल्कुल सही होगा, कोई भी बीमारी में नहीं आएगा, बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैंने सोचा यही चीज़ आपको बताई जाए, ठीक है। तो आपने कबूतर को भाई दाना आप बराबर दो, ठीक है, दाना में कमी मत रखना बिल्कुल भी, क्योंकि यह ठंड का मौसम है, हवा रात में बहुत ज़्यादा चल रही है, और आपका कबूतर जो दाना खाता है ना वो बहुत जल्दी ज़्यादा जल्दी जल्दी पच रहा है, ठीक है। तो भाई हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अपने कबूतर को यार 15 ग्राम के हिसाब से दाना दीजिएगा, भरपेट खिलाइए उनको, ताकि आपका कबूतर यार स्वस्थ रहे हमेशा। मेरा बस एम यही है कि आपका कबूतर भाई बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भाई। बस आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हो, एक लाइक, बस एक लाइक बनता है भाई, एक लाइक कर देते हो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, ठीक है। मेरे भाई मैं चलो मेरा प्यार बनाए रखें और एक लाइक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, ठीक है भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लगी होगी तो यार एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यार कमेंट करते हो ना तो बाकी जो लोग दूसरे जो नए लोग आते हैं उनको भी पता चल जाता है कि यार ये जो बंदा वीडियो बनाता है ना वो बिल्कुल जेन्युइन बनाता है, और उनको भी सही इलाज मिल जाता है, उनको ज़्यादा दूर तक भटकना नहीं पड़ता है, कभी इसकी वीडियो देखें कभी उसकी वीडियो देखें, तो भाई उनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। आप अगर मतलब एक कमेंट कर देते हो ना तो उस बंदे को भी लग जाता है कि हाँ ये भाई ये बंदा बहुत अच्छी वीडियो बताता होगा आपको, ठीक है, और अच्छा इलाज बताता होगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि नहीं भाई, ठीक है ना, बताता हूँ ना, ठीक। तो भाई वो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक कर देना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है, कमेंट नहीं करते हो यार मुझे अच्छा नहीं लगता है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं भाई।